शॉपिंग। नमस्कार, ऑल टाइम्स इंडिया के नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो ही कुछ धार्मिक होने वाला है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं संजान। सावन का महीना चल रहा है, तो हम लोग बाबा के पास जाने वाले हैं वापिस से संजान पैदल। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, पूरा बोलबम भक्ति का नारा लेकर के चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लोग, बहुत लोग पैदल जा रहे हैं, बहुत लोग गाड़ी से जा रहे हैं। जैसा जिनका जो इच्छा कर रहा ना, वैसे पैदल जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। आगे भी कुछ लोग आपको दिखाई जो कि जा रहे हैं, देखिए कुछ लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं। रोड जाम हो गया भाई, पता नहीं UPL के पास। आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। ये देखिए हम लोग UPL कंपनी के पास आ चुके हैं, और बस थोड़ा देर बाद में हम लोग UPL ब्रिज के पास पहुँच जाएंगे। एक्सिस बैंक का पीछे बोर्ड लगा हुआ है। रोड पूरा जाम हो गया, पता नहीं आगे जाने के बाद पता चलेगा रोड क्यों जाम है। ये देखिए UPL कंपनी का दूसरा गेट नंबर। वो देखिए वो लोग भी कुछ पैदल ही जा रहे हैं ये लोग, और पीछे टेम्पू से आ रहे हैं जो कि कुछ लगाए हुए हैं उधर टेम्पू और स्टैंड के पास। तो चलिए सर, पूरा खुश होते जा रहे हैं भाई, हम सब लोग पूरा मजा एंजॉय के साथ। इतने सारे लोग पूरे पैदल ही जा रहे हैं, और पीछे भी हैं बहुत सारे लोग। अभी हम लोग ब्रिज से पार भी नहीं किए हैं। चलिए ब्रिज के पास लगता है और ज़्यादा भीड़ जाम लगा हुआ है। ब्रिज के ऊपर देखिए, ऊपर भी वो सब भी गाड़ी पूरा जाम ही लगा हुआ है। पीछे पानी, प्रसाद, केला सब लोग वितरण करते ही आ रहे हैं। जहाँ जिनको जो इच्छा कर रहा है वहाँ पे बांट रहे हैं, और पीछे से सब लोग बोल बम। ये देखिए छोटी दमन के पास आ चुके हैं हम लोग। यहाँ का भी वीडियो हम YouTube पे डाले हैं, तो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप लोग देख सकते हैं। और हमको ना सारा जो रोड जाम है ना, कुछ बोलबम के जाने के कारण सो रहा, लेकिन नहीं, वो पीछे एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, पूरा हैवी, पूरा खतरनाक। ये जो एक पिलर दिख रहा ना, ये पिलर एक तोड़ दिया पूरा नीचे। वो अच्छा हुआ नीचे नहीं गया, पता नहीं पूरा आगे से पूरा डैमेज हो गया था। इसके लिए साइड रोड को जाम कर दिया गया था। अभी वो आया है क्रेनिंग वाला, वो क्रेनिंग करके ले जाएगा उसको। तो चलिए हम लोग वीडियो में बने रहिए, अभी हम लोग छोटी दमन ब्रिज के ऊपर ही हैं। तो चलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए, तब तक चलते हैं बाबा धाम बोल बम। बच्चे लोग भी पानी बांट रहे थे, तो ये देखिए कुछ बोटल्स दिए हैं। तो अच्छा रास्ते में लोग कुछ अच्छा ही सेवा कर रहे हैं। अभी UPL गेट के पास था, अभी यहाँ जैसे ही दमन गंगा ब्रिज के आगे आए हैं तो फिर ये लोग मिले हैं। अभी देखते हैं पूरा आगे संजान तक कहाँ कहाँ कौन लोग मिलते हैं। चलिए यहाँ पे पता नहीं कौन सा जगह है, हम लोग अभी करमबेली पहुँचे हैं। तो यहाँ पे कुछ बम लोग चाय पिला रहे हैं, यहाँ पे कुछ बम लोग चाय भी पी रहे हैं और हम भी चाय पी रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बम का नाम लेके। भैया का कावर तो अच्छी तरह से सजा हुआ मोर उर लगा के। तो चलिए करमबेली से आगे बढ़ चुके हैं, अभी आगे शायद भिलाड़ आएगा। तो बस भिलाड़ से आगे जाके फिर संजान। तो अभी बहुत दूर है, कोई बात नहीं, बाबा के नाम लेके पार हो जाएगा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। छोटा सा मंदिर है जो कि सजावट, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है बहुत सारा। यहाँ पे भी भाई लोग पानी दे रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। यहाँ पे कुछ बम लोग आराम कर रहे हैं सागर होटल के सामने, शायद भिलाड़ पहुँचने वाले हैं। ये लोग आराम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ थक गए होंगे थोड़ा थोड़ा बम। चलिए
बोलबम। अभी हम लोग शायद भिलाड़ पहुंचने वाले हैं, लग तो रहा है भिलाड़ ही होगा क्योंकि नेट मेरा नहीं चल रहा इधर भाई, थोड़ा तो पैर ना नीचे से गर्म जैसा लगने लगा है, अब पूरा जैसा लग रहा कि काटी जैसा चुभ रहा है, क्योंकि नीचे ना ज़्यादा छोटा छोटा ही कुछ कंकड़ जैसा लगा हुआ है, तो उसके कारण ऐसे चलते चलते ना रेगुलर में पैर भी गर्म हो गया है। भोजपुरी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है राजा बाबू, बहुत पुराना है पर पता नहीं क्यों लगा दिया। ये भिलाड़ सर, अरे नीचे ओवर ब्रिज, पीछे आपको थोड़ी सी पहाड़ी दिख रही होगी और ट्रक से झक गया है, लेकिन वो देखिए थोड़ी सी पूरा हरा भरा जैसा दिख रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, वो हम लोग अब धीरे धीरे चलने लगे हैं, एनर्जी थोड़ा थोड़ा लॉस हो गया है। वापिस से भिलाड़ तक आने में भाई क्या लगता है 10-12 किलोमीटर होगा, नहीं क्या पता 8-6 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा। देखिए बोलबम, आगे कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रहा है, दिखाई दे रहा है बोलबम लोग का। पीछे आगे पोरबंदर टू सिलवासा या ऐसे कुछ बस लगा हुआ था, पोरबंदर इधर से क्या है किधर है पता नहीं, पर पोरबंदर जाने वाला बहुत लोग थे यहाँ पे खड़ा हुआ। चलिए हाँ बाय। मेरा बैग में ना अभी छः बोतल पानी होगा और 2 केला है। अभी मैं रास्ते मिल रहा, आगे मेरे को पता नहीं, अंदाजा नहीं है कि किधर अभी आगे मिलेगा, इसके लिए मैं ले के रखा हूँ, अभी आगे नहीं लेना। भाई सब आए हुए हैं, भाई लोग को लगता है काटा घड़ गया। किधर वापिस से आ रहे हैं काका? हाँ वापिस से। हाँ आप लोग? हम भी वापिस से ही आ रहे हैं। वापी में किधर? अम्बे माता मंदिर के पास से। हाँ वहीं से जरूर था, छीरी से आए। आप झंडा लेके जा रहे हैं? हाँ तो कहाँ है झंडा लेके, तो चलना है मेरे देश का है। देश का है, चलिए। हम यही थोड़ी लाए, वापी में इतना झंडा बचा है अम्बे माता पर, कपड़ा भी बटा है अम्बे माता मंदिर के पास। हाँ अम्बे माता मंदिर में अंदर में। अंदर में? हाँ वहाँ पे झंडा और कपड़ा और कुछ खाने का सामान भी ऐसा व्यवस्था रहा है अम्बे माता मंदिर पर। हमने खाली यही झंडा भर लिया, मेरे पास फुल व्यवस्था रहा। कपड़ा वपड़ा आप लेके आए होंगे वहाँ से? नहीं हम पहले ले लिए रहे, तो इतने तिवारी का आकर कपड़ा क्यों नहीं लिया, बोला देख अब लिया है तो अब नहीं लेने के, भाई क्या करेगा बर्बाद करके। हाँ एक ही ले लिए हैं अपना पैसा से, तो फिर यहाँ वाला दूसरा कोई ले लेगा है ना काका? हम ये सोचते कि दूसरा भिलाड़ हनुमान मंदिर के पास आ चुके हैं, रोड के एकदम मेन रोड के किनारे ही है बसे हुए हनुमान जी, फिर थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। हमारे श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी भी है, नीचे हनुमान जी। पीछे कुछ लोग ना मंदिर के नीचे बैठ के पूरा अपना बाबा को खुश करने में लगे हुए हैं। एक ट्रेन देखिए जा रही है, का इलाका ना पूरा पहाड़ी पहाड़ी जैसा लग रहा है, देखिए महसूस हो रहा है हवा वातावरण। ये देखिए हम लोग गांव में आ गए हैं, धान की खेती तो पूरी हुई है, पूरा जहां तक देख रहे हैं ना वो सब धान लगा हुआ है। भाई गुजरात में पहली बार धान देखें, होता है ऐसा नहीं कि धान नहीं होता पर देखे पहली बार। बोल बा लोग भी वैसे ही धान रोपते जैसे हम लोग का गाँव में रोपा। एक लेडीज है और 2 जेंट्स है, लगता है इन लोगों का घर में जो भी लोग रहते हैं वो सब लोग धान रोप देते हैं।
दहेली, ये नाम जो है ना शुरू में वो नहीं पता, पर आगे उसका दहेली ग्राम पंचायत आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। ये पढ़े समझ में आया, ये नाम क्या लिखा हुआ पता नहीं। आगे भी बहुत भक्त लोग हैं जो कि प्रसाद जल बहुत सारे लोग कुछ वितरण कर रहे हैं। थक लो बोल बम 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 बोल बम। यहाँ देखिए पूरा अच्छा नज़ारा था। यहाँ बाबा को खुश करने वाले लोग बैठे हुए, आप समझ ही गए होंगे। जय हाँ बोल बम भाई, बम इधर तो दम पूरा शांति माहौल है लेकिन पूरा हालत ख़राब हो गया है। जैसे जैसे नज़दीक बाबा के पास पहुंच रहे हैं ना, पूरा पैर में दम गर्मी बढ़ रहा है। के छुटका बोल बम वापिस आ रहा तो भिलार से तो कुछ नहीं, वापिस आ रहे हैं शायद उसको पता नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहे। बोल बम 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 जय बोल बम। यहाँ बम लोग का भीड़ क्यों लगा हुआ है भाई पता नहीं, नज़दीक जाने के बाद पता चलेगा। चलिए थोड़ा दौड़ के चलते हैं, नहीं कहीं मिस ना कर दे हम। आगे देखिए डीजे लगा हुआ है पूरा दम। बोल बम बोल बम हम लोग वापिस से 15 किलोमीटर दूरी आ चुके हैं, बिलाड़ 5 किलोमीटर। ए आर्यन बाप बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अगर आप अकेला चलने बोले तो कितना आप चल सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, लेकिन जब भीड़ में आप चलिएगा ना आप कितना दूर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, सिर्फ भीड़ में चलते जाइए चलते जाइए। देखिए एक लोग शायद थक गए हैं वो जा रहे हैं। चलिए हर हर महादेव ग्रुप सेवा, तो सेवा में सब लोग लगे हुए हैं, पानी चाय। बोल बम बोल बम बोल बम
यार भैया बढ़िया है भाई, बोल बम। अकेले नहीं, कमजीत भाई भी है। ठीक है, अब साथ में ही चलते हैं। हम बहुत अकेले आ गए हैं। पर बहुत बम जी मिल गए हैं, अब हम अकेले नहीं हैं। बम जी साथ में, तीन आदमी साथ में, तीन आदमी साथ में। मैं भी हूँ, मैं भी अभी से बोल बम, बोल बम, सभी बम यहाँ पे हैं। बोल बम, अपने लंगर उंगर का सेवा लगा हुआ है। चलिए एक पानी ले लेते हैं, बाहर खड़ा है। बोल रहे चलते हैं कि आप रुकिएगा, कमजीत भाई पूछ लेते हैं। हाँ पूछ लीजिए, तब तक एक पानी पी ले रहे हैं। टीका यही लगा रहे हैं? कहाँ लग रहा है? लग रहा है, हम भी लगवा ले रहे हैं बाबा के नाम पे। थोड़ा अच्छे से लगा देना बम। हाँ बोलो, मैं भी सब्सक्राइब करता हूँ। ऑल टाइम्स इंडिया, ऑल टाइम्स इंडिया, याद रहेगा ना। बोल बम, बोल बम, आगे मत बढ़ो, पीछे आ जाओ। बोल बम, बम कहाँ गायब हो गए? प्रमोद भैया, चलिए प्रमोद बम तो गाड़ी से हैं, तो हम लोग पैदल ही चलते हैं। वो जिसने भी की भक्ति दे उसका बोल बाला है, भी भक्ति दे उसका बोल बाला है। ये भी करेंगे भक्ति बाबा तेरा नाम, बोल बम, बोल बम। ऐसा माहौल में घर रहना चाहिए, पूरा आगे बाग बगीचा, शांति, साफ सफाई और पीछे एक छोटा सा रूम, बस एकदम। भाई शाम होने लगा है, अभी 2-3 किलोमीटर शायद और है, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है, पता नहीं इसके बाद कैसे शूट करूँगा। पीछे वाला कैमरा से करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, लाइट वाइट जला के थोड़ा करूँगा, पर आगे चलते हैं। चलिए संजान शहर पहुँच चुके हैं, पीछे बोर्ड था उसमें 0 किलोमीटर लिखा हुआ था, वो देखिए वहाँ भी संजान बोर्ड लगा हुआ है ना, उस सामने उसमें भी 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो हम लोग संजान बाबा की नगरी पहुँच चुके हैं भाई, एकदम अंदर से खुशी हो रहा है कि हम पहुँच चुके हैं। हाँ अभी तो एकदम अंदर से हिम्मत आ चुका है कि भाई आप तो पहुँच गए हैं। बोल, संजान आ गए हैं, अभी हम लोग बाबा जी का मंदिर चलते हैं। वो देखिए सामने सब लोग का गाड़ी रुका हुआ है, देखिए सब लोग का गाड़ी रुका हुआ है यहाँ पे, शायद उधर से घूम के ही जाना पड़ता होगा। तो चाची बोले कि यहाँ से ये मंदिर में दर्शन कर लो, फिर आगे मंदिर है वहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे हुए,
यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। पैर हाथ धो ले रहे हैं उधर, उसके बाद चलते हैं दर्शन करके आगे चलते हैं। यहाँ दर्शन कर लिए हैं, अभी चलते हैं संत जानकी बाबा जी का मंदिर। पीछे एक बम मिले, उनसे पूछे कि अगला मंदिर कितना दूर पे है, तो बोले कि अभी 1-1.5 किलोमीटर जैसा होगा। तो चलिए, यहाँ का मार्केट ही कुछ अच्छा ही है, शांति शांति से जैसा सब कुछ मिल ही रहा है। बोल बाम, हाँ भाई, बोल बा बा बोल बा बोल बा। फिर दुकान में राखी का त्यौहार आने वाला है, तो सब जगह पे राखी भी मिल रहा है, प्रसाद यहाँ से मिलना शुरू हो चुका है प्रसाद। बोल बम, यहाँ से थोड़ा प्रसाद ले रहे हैं, नारियल फूल और कुछ अगरबत्ती ये सब साथ ले लिए, हो गया। यहाँ पे भाई बहुत दिक्कत लग रहा है, रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से जाना पड़ रहा है, ऊपर से बहुत छोटा है और नीचे पानी भी भरा हुआ है बहुत। बस थोड़ा दूर आ रहा है, नीचे देखिए पूरा ब्रिज में पानी भरा हुआ है। पूरा रात हो गया, बम कुछ दिखाई नहीं देता है, फ्लैश जला के जाना पड़ रहा है। चलिए बम, अब पहुंचने वाले एक ओवर ब्रिज के पास हो जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे, मंदिर दिख गया है बम।
वो देखिए सामने लाइट दिख रही है। बोल बम, बोल बम, नहीं बम, नहीं। ठेला रेडी सब कुछ लगा हुआ है। बोल बम, इधर से भी शायद मंदिर के अंदर जा सकते हैं। चलिए मंदिर के अंदर चल रहे हैं जी। ये देखिए पीछे से कुछ बच्चे लोग आ गए। ये कुछ नजारा, चलिए अंदर जाके देखते हैं।
मंदिर के पीछे साइड में पूरा भोजन का व्यवस्था किया गया है, अच्छा है। बेल का पौधा इधर अंदर में है। चाय पीजिए, 12 बज गया है, चाय पीना जरूरी है तो नींद आ जाएगा। रात को 12 बजे चाय, चाय जाके पी लीजिए। अभी सुबह का 6 बज गया है, हम लोग स्नान कर लिए हैं और अब हम लोग चलते हैं अंदर बाबा जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए अंदर बाबा का दर्शन कराते हैं आप लोग को। बोल बम,
बोल बम 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 मोबाइल बंद करिए बोल बम बोल बम बस अब चढ़ा बा हम लोग का पूजा हो गया, अब हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर, थोड़ा प्रसाद भी ले लेंगे। बस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा के नगरी से दूर जा रहे हैं, फिर अगले साल फिर आएंगे। क्या प्रमोद बम जी? हाँ जी, सही बात है जी। सही बात है ना? अभी भी देखिए कितना लोग आ रहे हैं। तो